break it down. बस करो, मैं पैंट झाड़ के पहन के आया हूँ भाई। देखो गुर्बत में शोहरत ऐसी है कि जैसे बगैर शादी का बच्चा, छुपाते ही फिरो। अरे मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यकीन माने अपने घर में देखा मुझे। आपको पता है मेरा बाप क्या है? आपको पता है मेरा बाप क्या है? बीमार है। वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो स्नैक वीडियो प्रेजेंट्स जस्ट स्नैक कॉमेडी का डोज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जुनैद अकरम, और मेरे साथ मौजूद है द ब्रेनियक। यार जिंदगी में ना कुछ लोग इतने पकाऊ होते हैं, वो आपको बस पका देते हैं हर वक्त आपकी बिरयानी। वो कहते हैं ना दही बनाना, दही बनाना तो एक स्टेज है, पकाना उससे एक नेक्स्ट लेवल का स्टेज है। बड़े बड़े पकाऊ लोग होते हैं। खैर आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के नंबर वन कॉन्टेंट क्रिएटर कहलाते हैं, 1 बिलियन से ज्यादा उनके व्यूज हैं। इसी तरह हमारे स्नैकर गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी काफी टैलेंटेड है, उनसे हम मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में, और वो आपके लिए लाए हैं बड़े जबरदस्त किस्म के चैलेंजेस, जिसके लिए आप सबको डाउनलोड करना होगा स्नैक वीडियो की ऐप, ताकि उनके बताए हुए चैलेंजेस आप रिक्रिएट करें, उनको अपलोड करें यूजिंग द हैशटैग जस्ट स्नैक, और फिर स्नैक की तरफ से मिलेंगे आपको बहुत सारे सरप्राइजेस। ये सब और बहुत कुछ होने वाला है, मगर उससे पहले चलते हैं स्नैक लीक्स की तरफ। आइए मेरे साथ। मीम्स के हवाले से बात करते हैं, और ये बात मैं काफी बार ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि मीम्स के मामले में पाकिस्तानियों का गेम इतना आगे है कि इंडिया का हमसे कोई मुकाबला ही नहीं है। वो ठीक ठाक दूर बैठे हैं, इतना कि उनके बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में बैठ के पाकिस्तानी मीम्स रिव्यू कर रहे होते हैं। मीम्स की भी एक तारीख है। एक जमाने में बड़े सिंपल फॉर्मेट के मीम्स हुआ करते थे, जो कि सर्डियलिस्ट मूवमेंट और सार्केजमिस्तान जैसे पेजेस पे लगाए जाते थे। लोग अपनी एंट्रीज भेजते थे और जिसका अप्रूव हो जाता था और मेन पेज पे लगता था, तो वो लौंडा 1-1.5 दिन फुल चौड़े में चलता था। फिर वक्त के साथ साथ मीमों में भी एवोल्यूशन आने लगी, और वो सिंपल स्टिक फिगर से निकल के हम फॉर्मेट्स और टेम्पलेट्स की दुनिया में चले गए, और वो दिन और आज का दिन हम इसमें बहुत आगे निकल गए हैं। आमिर भाई का कैसा दिया मीम, मेरी नजर में आइकॉनिक तरीन मीम है हमारे मुल्क का, विच इज फॉलोड बाय आंटी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने भी फुल दबा के टक्कर दी है। इसी तरह गुजरे सालों में डिसअपॉइंटेड क्रिकेट फैन मारिया भी हो गई, या फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर, फलाना इज माई न्यू फ्रेंड, ये हो गया, या फिर इसके अलावा वसीम बादामी इन अनयूजुअल प्लेसेस भी जो है काफी आइकॉनिक होते जा रहे हैं। इस फील्ड में हमारी कामयाबी की बुनियादी वजह यह है कि हम क्रिएटिव तो बहुत हैं लेकिन सही जगह नहीं है। अब चूंकि हमारी प्लेसमेंट सही जगह नहीं होती, तो हम दूसरी जगहों पे अपने टैलेंट्स को लगा रहे होते हैं, इसीलिए हम चूना लगाने में और टोपी ड्रामे करने में दुनिया में नंबर वन है। अच्छा रही बात क्रिएटिविटी की इस्तेमाल में, तो कहाँ कहाँ हम क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करते। इंसान तो इंसान, हम जानवरों को नहीं छोड़ते। कभी बकरी को स्वेटर पहना दिया, या चूजे की एक ही फैमिली को 4 अलग रंग करके बेच दिए। कमाल क्रिएटिविटी हमारी। मैक्सिमम क्रिएटिविटी तो आपको सड़क पे चलते फिरते नजर आ जाती है यार, गाड़ियों के पीछे शीशे पे या रिक्शों की बैक पे ऐसे ऐसे कमाल के जुमले लिखे होते कि आप सोच नहीं सकते। एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, आई मे नॉट बी रिच और गुड लुकिंग बट आई एम अवेलेबल। यानी भाई की सच्चाई चेक करो कि सच्चाई बयान कर दी कि भाई मेरे पास ना पैसे है ना शक्ल है, मगर अवेलेबल हूँ, चाहिए तो ले जाओ। अब ये मोटरसाइकिल के पीछे ही देख लें, कह रहे हैं कि फासला रखे मोहतरमा नहीं तो आपके भाई मारने आ जाएंगे। यानी ये भाई फुल टाइम तजुर्बा कार चल रहे हैं, और आज की मुश्किल में इनकी दबा के पिटाइयां भी हुई है, बहुत बड़े बड़े भंड मारे हैं, मगर फिर भी सुधर नहीं रहा। अब वार्निंग इशू कर रहा है, जैसे फिल्म से पहले PG-13 और 18 आती है, ये भी अपनी बाइक के पीछे वार्निंग दे रहा है, बाज नहीं आ रहा। तो ये थी आज की स्नैक लीक्स और स्नैक वीडियो प्रेजेंट्स जस्ट स्नैक कॉमेडी का डोज में। आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो बड़ा हंसते हंसाते हैं लेकिन साथ साथ पकाते भी हैं। पाकिस्तान के नंबर वन कंटेंट क्रिएटर विद ओवर 1 बिलियन व्यूज, प्लीज वेलकम नादिर अली। बस करो, मैं पैंट झाड़ के पहन के आया हूँ बाय द वे।
कैसे नाजिर आप माशाल्लाह। गंजी सोहैग क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र लग रहा है, पूरा आसमान ही चलता हुआ आ गया। वो आसमानी कबूतर एक कॉम्प्लीमेंट मैं भी आपको दूंगा। मैं आ रहा हूँ, टिंड चमक रही थी जिसकी वजह से मुझे स्टेज नजर नहीं आ रहा था माशाल्लाह। बड़ा तेल जरा अच्छा लगाया हुआ है जी। नहीं नहीं तेल हम नहीं लगाते, रूखे रूखे रहते हैं। बस सुना है भाई आप सेट के अंदर ही फॉर्चूनर ले आए माशाल्लाह माशाल्लाह। एसयूवी लिए है तो आपको पता है फिर वो तो फिर दिखानी है तो सेट के अंदर तो लाना ही था ना। बिल्कुल सही है। क्या आप शो के बाद हम एक सेल्फी ले सकते हैं? आप एक काम करें अभी चलते हैं यार, ऐसी क्या बात है। मेरे शूटिंग के बाद और एक 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 सेल्फी मैंने भी लेनी है आपके सिविक के साथ। चलें ये सेल्फियां तो हम डेफिनेटली लेंगे, लेकिन वो आई कैसी है वो देखने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा स्नैक वीडियो की ऐप, जहां पे आप हमारी सेल्फीज देख सकते हैं। यार वैसे ये जो मुफलिसी वाले हमारे दिन थे, मतलब हम लोगों का बैकग्राउंड एक जैसा ही रहा है तकरीबन, वहां से एकदम शिफ्ट होना, यार वो वाले दिन याद आते हैं कभी कभी? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और यकीन करो कि चीजें कभी कभी बहुत मिस करता हूं मैं। हाँ। और एक अब मैं अपनी टीम से अभी बात कर रहा था जुनेद की, यार हम अब स्ट्रीट फूड और ये जो बाहर ठेले और ये पत्थरों पे ये चीजें नहीं खा पाते। और मैं उसे बता रहा था यार 4-5 साल पहले कितना जाया करते थे हम और आज उतना नहीं जा पा रहे। तो कुछ चीजें वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं, तो याद ऑफ कोर्स बिल्कुल आते हैं। तो पुराने दौर का कोई कोई फनी वाक्या सुनाओ। कोई बिल्कुल सच्चा वाक्या आपको मैं बताने लगा हूँ, कोई कॉमेडी नहीं है। मैं बाइक पे मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, हेलमेट पहना हुआ है और मैंने पान खाया हुआ है। सही है। अब मैं जा रहा हूँ, पान एक टाइम पे आ गया, आपको पता है स्पिट करना थूकना है, तो मैंने बाइक साइड पे लगाई है और थूक फेंक दी। अब हेलमेट उतारना भूल गया। अबे यार पीप मार दी मैंने हेलमेट में। आप यकीन करें मुझे इतना ऑकवर्ड, अपने आप को गालियां दे रहा हूं कि यार ये मैंने किया क्या। वो हेलमेट उतार के ना वो पान वाले के पास जा रहा हूं, यार पानी देना, वो मुंह देख रहा हूं क्या किया ये पूरा मुंह पे आया हुआ है। और ये एक वाकया याद है यार, हेलमेट नहीं उतारा मैंने। पान अभी तक खा रहे हो या छोड़ दिया? पान हल्का फुल्का चल जाता है कभी ना कभी, आपको पता है पत्ती वाला। जब नहीं नहीं पत्ती वाला नहीं, जरूर राजानी 120 सादा खुशबू बाबर रत्न जॉनी वॉकर। हाँ। ये या ये वो जरूर राजानी 120 शान क्रीम कराम शान क्रीम क्रांति नजमा लाल पर। ये मेरा ख्याल है तुम वही खारा दर में बेचते थे। अबे बेचता नहीं था, मेरा कजन खाता था। अच्छा। उसके लिए मैं ही लाता था पान। नहीं पान का क्या सीन है मैं आपको बताऊं, जब मैं बहुत खुश होता हूँ ना या बहुत कोई चीज हुई है जिसपे मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ यार पान होवे। अच्छा वो आपने हेलमेट वाली बात की ना, एक बार मैं भी शारे फैसल पे जा रहा था हेलमेट पहन के, मुझे आ गई पहना हुआ आपने हेलमेट, आप अब तो कुदरती हेलमेट है ना, उस वक्त नहीं था हेलमेट था उस पर मुझे आ गई छीक। अच्छा छीक आ गई तो स्क्रीन पूरी हो गई धुंधली, ठीक है। अब वाइपर तो होता नहीं है, अब मैं बोला कहाँ जा रही है भाई सारा गंद, फिर मैंने उसको साइड पे गया साफ वाफ किया। यार अजीब दिन थे। गुर्बत में जब फेमस हो जाता है ना बंदा तो ये एक अजीब सी चीज है। जब हम शुरू में 2017 में पैसों की फुकदान और थोड़ा बहुत फेमस हो गए। हाँ। तो मैं कहता हूँ गुर्बत में शोहरत ऐसी है कि जैसे बगैर शादी का बच्चा, छुपाते ही फिरो यकीन करें। अब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। हाँ। और आपको ना बड़ी गाड़ी में ना वो बंदा फैन हिला रहा है। हेलो मैं देखता हूँ, बड़ा ऑकवर्ड लगता है यार हम मोटरसाइकिल। चले ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन कुछ अफवाहें हैं आपके बारे में जो मैं चाह रहा हूँ फिर आपसे वेरीफाई कराऊं, तो इनका आपने जवाब देना है फौरन यस और नो में, ठीक है ना? यस और नो में। आपके बारे में अफवाह मशहूर है कि आपको कोई भी अगर खाने पे बुलाए दावत पे तो आप खा पी के वो टेबल के कपड़े से हाथ पोछ लेते हैं। यार ये सही है, ये ठीक है भाई। आपके बारे में एक और अफवाह मशहूर है कि आप गाड़ियां रेंट पे मंगवा के फुल भरम वरम कराते हैं लोगों को, हैं पूरी फ्लीट दिखा के काशिफ जमीर की तरह। समझ नहीं क्या ऐसा है आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी इवेंट के लिए अगर गया हूँ तो लिमो मंगाई थी। अच्छा, अरे वाह यार। आपके बारे में एक और अफवाह मशहूर है कि फहद मुस्तफा के जो कॉस्मेटिक सर्जन है आप उनके पास गए लेकिन उन्होंने आपको ज्यादा घास नहीं डाली। नहीं 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 नहीं, ये बल्कि मेरी टीम भी अक्सर मुझे कहती रहती है कि कोई 2-4 टीके लगवा लो जरा, ये जरा फेयरनेस ग्लो कर। अच्छा? हाँ, बड़े चल रहे हैं भाई। मदनी क्या मूड है तुम्हारा भाई? अच्छा लेकिन मैं नेचुरल ब्यूटी पे बिलीव करता हूँ। सो नादिर बैशिंग व्हील का एक सिलसिला है हमारे यहाँ जिसमें एक व्हील है, उसमें बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स और टीवी और फिल्म के आर्टिस्ट की तस्वीरें हैं, व्हील घुमाना है, पॉइंटर जहां पे आके रुका आपने उनकी बेस्टी करनी है, बैशिंग करनी। बस ठीक है, रेडी है, तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, बैशिंग व्हील को लाया जाए।
सो स्नैक वीडियो प्रेजेंट्स जस्ट स्नैक कॉमेडी का डोज में इस वक्त हम मौजूद हैं बैशिंग व्हील के सामने और आज देखते हैं कि द बिगेस्ट प्रैंकस्टर ऑफ नादिर अली जिनकी कॉमेडी के हम सब बहुत बड़े फैन हैं वो आज किसको बैश करने जा रहे हैं। सो नादिर ये सारे सेलिब्रिटीज मौजूद हैं जी जी। आपकी कोई दिली ख्वाहिश है तो हम वहीं पे रोक देते हैं, मसला नहीं है। दिली ख्वाहिश तो इन सबके लिए ही है हाँ। लेकिन फिर जब एक वो चक्कर है तो फेयरनेस मतलब आप चाह रहे हैं कि फेयरनेस हो। चले हाँ। जी अपनी फुल ताकत से व्हील घुमा दें। घुमा लूं? हाँ जी घुमा दे। साहिर लोधी शाहरुख शाहरुख खान यार आप कर रहे हो अगर एक चीज को तो आप मानो उस चीज को कि यार अभी मैंने देखा वो शाहरुख पे ऐसे मुंह बना रहा है जैसे मैं शाहरुख को फॉलो नहीं करता कॉपी नहीं करता और ये तो साहिर आप माने इस चीज को कि यार आपके अंग अंग में दिखता है आप बिल्कुल जीरोक्स कॉपी हैं उसकी फोटो स्टेट समझ रहे हैं बात को। और दूसरी बात है मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं आप और एक वो होता है ना बनना हाँ। एक होता है एक हाँ। होता है बनना हाँ। बनना है मुझे ऐसा फील होता है चीज़ों को नेचुरल रखे। मसलन एक वो एक आध क्लिप मैंने पहले देखी थी कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा मेरा आखिरी खून का कतरा भी यहीं रहेगा और पीछे से जीतरी की फायरिंग हुई सबसे पहले वही रॉकेट हुआ है बात यह है। और क्या चले ये तो थी साहिर लोधी की बैशिंग बाय नादिर अली। नादिर एक बार और व्हील घुमाते हैं देखते हैं और कौन है आपके हाथों। वकार सका आप आया सही बंदे क्रिप्टोमेनिया आप आया सही बंदे में हाँ जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। वकार भी कैमरे के सामने वो खड़े हैं पीसा अवार्ड हाँ। प्रैंक्स की कैटेगरी में कौन जीता पीसा अवार्ड नादिर अली ठीक हाँ। है पी फॉर पकाओ नादिर अली जीता अवार्ड ले रहे याद है आप पहुंचे नहीं थे ना तो मैं पहुंचा नहीं मुझे एक बात बताओ जुनेद वहां पे और भी बहुत लोग थे हाँ। अवार्ड लेने ये पहुंच गया उसके बाद अवार्ड के बाद बोल रहा है अवार्ड बहुत भारी है मैं नहीं ला रहा दुबई से मुझे बोल रहा है मतलब वो ये इन शॉर्ट ये कह रहा है कि भाई मेरी मिन्नतें करो। मैंने कहा यार चलो ठीक है मुझे बता दो दुबई में कहाँ रखा है मैं वहां से ले लेता हूँ। वकार निकालो दिल की भड़ास मैं बता रहा हूँ सही नहीं हो तुम पता है क्या तुम दिन में कुछ हो रात में कुछ हो। टीवी वाले हमें बोलते थे शुरू में भाई ये क्या नेट पे आ गए ये बेकार है असल आज सबके चैनल है इसी तरह भाई हम रोज यहाँ पे स्नैकर्स को बुला रहे हैं अबे ऐसा टैलेंटेड बच्चा ऐसी टैलेंटेड बच्चियां हम तो किसी गिनती में ही नहीं है और मिलियन दो दो मिलियन लेके बैठे हुए। इसी तरह आज हमने एक बड़े टैलेंटेड स्नैकर को दावत दी अपने शो पे प्लीज वेलकम हारिस अवान और बैशिंग व्हील को वापस ले जाया जाए। इस उम्र में घुटनों में ताकत नहीं रही नहीं ऐसे क्या काम किए भाई आपको देखा पहली दफा लाइक मैं तो लट्टू हो गया खुशी का ठिकाना नहीं है मेरी मैंने आपको कहां नहीं ढूंढा यकीन माने या तेरा अपने घर पे देखा मुझे घर पे देखना भूल गया मैं मैं वीडियोस में आता हूँ ना तो घर पे देखा हाँ घर पे तो देखा देख रहा हूँ मैं घर पे ही होता हूँ घर पे देखा हाँ। लेकिन आपको और कहां नहीं ढूंढा मैंने कहां ढूंढा आपसे नंबर चाहिए था किसका पुलिस का नहीं रेंट वाले का रेंट पे अच्छा आप रेंट पे रहते हैं मैं रेंट पे नहीं रहता वो जहाँ से आपने फॉर्च्यूनर रेंट पे लिया और ये आज के कपड़े जो आप रेंट पे पहने हैं ये बात थी इतनी देर से। अच्छा आप देखें प्रैंक्स करते हैं लेकिन मैं फिर आपको चैलेंज देता हूँ ना हाँ, क्या न्यू जनरेशन आपको चैलेंज दे रही है जो मैं करूँगा न्यू जनरेशन को देखो अल्लाह माफ करे सन सपूत ढाका किसके पहले का पैदा हुआ भाई डांस का एक स्टेप है आपको करके दिखा दें अगर अल्लाह रहम करे भाई स्टेज भाई अभी और एपिसोड होनी है टूट नहीं जाए मैं एक मिनट में 70 ठुमके मार सकता हूँ आप मार सकते हैं आप करके दिखाएं ऊपर से बॉडी डिफरेंट स्टेप करेगी हाँ, नीचे ठुमका डिफरेंट स्टेप स्टॉप चला रहा हूँ मैं टू इन वन कॉम्बिनेशन होगा देखना हाँ, आपको भी करना पड़ेगा चले ऊपर अलग जा रहा है नीचे
एक पैर पे तो नादिर खड़ा ही ना हो जाए। मैं एक पैर पे नहीं, बात सुनो जी, और क्या काम करते हो इसके अलावा? एक्चुअली असल बिजनेस मेरा दूसरा ही है, वो जरा प्राइवेट। क्या असल क्या? अच्छा एक फिर से करना, फिर से 5 रुपए का और करना। आप सिर्फ 3 ढूंढ के मार के बता दें मुझे। नहीं, जो फिर मैं कर सकता हूँ वो फिर कोई नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं आप? मैं पता है क्या, मैं आपको, मैं ठुमके नहीं, आप बजाए बजा बजा। भाई आमिर लियाकत साहब को टक्कर दे दी है इन दोनों ने, जबरदस्त। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलेगा नादिर के स्नैक के चैनल पे, देखना मत भूलिएगा। तो ये तो था हारिस अवान का चैलेंज नादिर अली के लिए। हारिस अवान बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नादिर ये तो था हारिस का चैलेंज आपके लिए, लेकिन क्या आप अपने फैंस को कोई चैलेंज देना चाहेंगे? एक मेरा डायलॉग है। हाँ आ जाए वॉल पे, आ जाए वॉल पे, वॉल पे मेरा डायलॉग है। हाँ, जस्ट स्नैक सही है। मेरा एक डायलॉग है, वो आपने बोलना है। वो डायलॉग ये है, आपको पता है मेरा बाप क्या है? आपको पता है मेरा बाप क्या है? बीमार है। एक सबसे पहले तो जुनेद बोलेगा, सबसे पहले तो आपको पता है मेरा बाप क्या है? बीमार है। आपको पता है मेरा बाप कौन है? आपको पता है मेरा बाप क्या है? बीमार है। यही चैलेंज है। तो बेसिकली आपने करना है, ये है नादिर अली का चैलेंज उनके तमाम फैंस के लिए। आपने स्नैक वीडियो की ऐप को करना है डाउनलोड, ये चैलेंज रिक्रिएट करना है, अपलोड करना है विद द हैशटैग जस्ट स्नैक। और जिसका सबसे अच्छा होगा या जिन लोगों का बहुत अच्छा होगा उनके लिए स्नैक की तरफ से हैं बड़े जबरदस्त किस्म के सरप्राइजेस। तो ये था आज का एपिसोड एंड आई होप नादिर आपको बहुत मजा आया होगा। आज तो कॉमेडी का डोज हो गया है, डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हो गया है। सो अगले एपिसोड को देखने के लिए आपने स्नैक वीडियो डाउनलोड करना है और चेक करना है कि अगले एपिसोड कब आ रही है और हमारा अगला गेस्ट कौन है। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट जुनेद अकरम को इजाजत दीजिए, नादिर अली और ब्रेनियक्स की तरफ से खुदा हाफिज़।